हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। आई डिडन मेक एनी वीडियो फुली लाइव मॉक। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन फुल मॉक, दैट इज SBI क्लर्क प्री। ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट फॉर मेंस वीडियो। लिसन, we have enough time for mains. Okay, firstly we have to this month give it for fully to pre, then we will make the videos on mains. Okay, so let me finish this month, after that I will make videos on mains. Okay, now first of all I just want to request you all who are watching this video, please watch it fully, otherwise this video not gonna do work for you. Okay, just because if you are watching it 2 or 3 months or 7-8 minutes or half time, then it means you are getting the knowledge half, not fully, so it's not so fruitful. Okay, otherwise you have to do one thing, in which section you have problem, you can skip the other two sections and watch that section. I just want to say that section exactly fully, not all the three. Suppose you are facing the problems in English, then you can watch the English section fully, otherwise math section you can watch it fully, but please at least you have to do your you have to give your 100% of your time, then you will get anything fruitful. Okay, so this test is based on practice mock, as we all know that market practice mock is playing on मतलब बहुत अच्छे लेवल पे ये खेल रहा है, इसके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, सो मैं तो इसी को फॉलो कर रही हूँ। अगर हमें आपको पता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे आई एम फॉलोइंग 2 or 3 mocks एंड प्रैक्टिस मॉक इज वन ऑफ देम एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ माय टेस्ट सीरीज। सो आई एम गोना सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, फर्स्टली यू हैव टू गिव द सेम मॉक विच आई एम गोइंग टू गिव। ओके, देन यू विल सी द वीडियो, अदरवाइज इट इज नॉट द फ्रूटफुल। मैं क्यों कह रही हूँ इस चीज़ को, जस्ट बिकॉज आपने पहले वीडियो देखी तो आपका एक टेस्ट आपके हाथ में से निकल जाएगा। यू आर आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से। सो पहले इस टेस्ट को दो, एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द सेम। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले ये टेस्ट दो अपना, उसके बाद इस वीडियो को परस्यू करना। डोंट थिंक यू आर टाइम वेस्टिंग हेयर, जस्ट बिकॉज ये टाइम यूटिलाइजेशन ही है आपका, ठीक है। सपोज करो आपने वो क्वेश्चन लगा लिए, पूरा टेस्ट लगा लिया, आपको टेस्ट देते ही समझ में आ जाएगा आपका कहाँ कौन से क्वेश्चन में लैग कर रहे हो आप, तो वो क्वेश्चन भी आके आप यहाँ से वीडियो में से डायरेक्ट दे सकते हो कि व्हाट आई एम यूजिंग द approach for the same question and what are you using, so दोनों में difference कहाँ से आ रहा है वो हम दोनों अच्छे से समझ पाएंगे दूसरे को। And please after giving the mock and seeing the video, comment below the comment section your opinions, your point of views and your marks too, okay? और मेरे तो इस video के आखिर में आपको दिख ही जाएंगे कि क्या कुछ marks रहते हैं। So let's start. आई एम गोइंग टू गिव द फर्स्ट मॉक, और हर वेडनेसडे और हर सैटरडे हमारा ये मॉक रहेगा, ठीक है। फुल मॉक जो हमारा पर मंथ रहेगा वो हमारा हर फ्राइडे, सॉरी नॉट सैटरडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहेगा, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 20 के 20 टेस्ट पूरे हो जाएंगे। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू गिव द मॉक्स विद मी, देन जुड़े रहिए, मैं आपको बताती रहूंगी कि कब कौन सा मॉक देना है, तो आप वो दे देना, फिर वीडियो देख लेना, दोनों एक साथ मतलब चलते हैं सभी। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, मैं पूरा टेस्ट इंग्लिश में दे रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को जो न्यू उनको डाउट है कि क्या हिंदी बीच में भी ले सकते हैं कि टेस्ट के, या फिर पहले हिंदी चूज करके बाद में इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं, यू कैन डू दैट। आपको टाइम वहां पर, जैसे यहाँ इंग्लिश मिल रहा है ना, वहां पर भी एक्चुअल एग्जाम में भी यहाँ भी एक ऑप्शन दिखता है, बाहर इंग्लिश चूज कर ली, अंदर आप जाकर किसी भी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर पर हिंदी चूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज, फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश। ओके, दिस इज अ पैसेज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर एग्रीकल्चर। मैं ये पैसेज पहले नहीं कर रही हूँ, अगर एक स्टोरी बेस्ड होता तो मैं पहले करती, और लेंथ ठीक है बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, बट येस मैं इसके जो वर्ड ये मीनिंग्स है ना जो लाइन्स में, ये मैं पहले करूंगी। जस्ट लाइक एनहेंस्ड वर्ड, बहुत ईजी वर्ड है, एनहांस करना किसी चीज को, बाउंस करना किसी चीज को, ऊपर लेकर जाना, लाइक हम किसी चीज को जब बढ़ावा देते हैं दैट इज एनहेंस्ड, और यहाँ अपोजिट वर्ड पूछे हमें, इसमें ये भी पढ़ने की नीड नहीं होती। अगर आपको यहाँ मीनिंग पता है ना वर्ड का, तो आपको सेंटेंस ये पूरे पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, अभी पैसेज क्या बोल रहा है। सो एनहेंस मीन्स बढ़ावा देना, इसका अपोजिट ऑफकोर्स क्या होगा, जो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकेगा, ठीक है, कहीं ना किसे इसे जो करेगा हमारा रोकेगा वही होगा। सो देखते हैं, डिडक्टेड नहीं होगा, डिडक्ट करना तो होता है निकाल देना किसी चीज को, ठीक है, उसमें से डिडक्ट करना, एंड देन
Just wait, guys. Just wait here. One minute, guys. Actually, यहाँ एक बहुत बड़ी बी है. सॉरी गाइस, एक्चुअली वीडियो चल रही थी क्या? ओके, आई एम रियली सॉरी. एक्चुअली देयर वॉज अ बी, समझते हो? तो मैंने उसका काम तमाम कर दिया. इट्स ओके, नाउ हमें कोई हार्म नहीं है. वो कहता है ना कि दुनिया है, दुनिया में चलता है ये. अगर हम उसे नहीं काटते तो वो हमें काट लेती. सो ऑफकोर्स वी सेफ. ठीक है, वर्ड देखते हैं. एनहेंस का जैसे मैंने आपको मीनिंग बता दिया, डिडक्टेड इसका वर्ड नहीं होगा. स्क्रूटनाइज, यस, ये वर्ड हो सकता है. ये किसी चीज को होता है ना कि रोकना उस चीज को. ठीक है, रेप, रेप नहीं होगा, रेप वर्ड नहीं होगा इसका. ठीक है, देन इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड वर्ड होता है कि हाँ, ये भी हो सकता है. इन दोनों वर्ड में से कभी भी हो सकता है. इम्पेयर, देखो, पेयर मतलब होता है जोड़ना, इम्पेयर मतलब होता है उस चीज को तोड़ना, उस चीज को नीचे लेकर आना कहीं ना कहीं. सो इम्पेयर वर्ड ज्यादा सुटेबल है एनहेंस का अगर अपोजिट देखते हैं. एंड प्रिपेरेटेड, आई डोंट नो अबाउट दैट, इम्पेयर्ड वर्ड सही रहेगा ये. ठीक है, अंडरमाइन, ऑफकोर्स अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाइक हम जब करते हैं ना कि हम नीचे लेकर जाते हैं, अंडरमाइन उसे हम जैसे खुद से, हम माइंड मतलब मैं खुद और अंडर मतलब मुझसे नीचे समझना. नीचा जब हम किसी चीज को समझते हैं और नीचा लेकर जाते हैं, दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग. देखना है डीफेम, फेम मतलब फेम का उल्टा है डीफेम, ये वर्ड नहीं होगा. इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब होता है एक वर्ड इंग्लिश में, हिंदी में मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा है इग्नाइट का वर्ड. समथिंग आग, समथिंग आग पकड़ना, आई डोंट नो अबाउट दैट. डिमिनिश, मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता है. डिमिनिश, यस, डिमिनिश वर्ड होगा. बाद की बात देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें वाला वर्ड मिल गया. क्लोज चेस्ट, ठीक है, क्लोज चेस्ट स्टार्ट करते हैं. ये मैं करूंगी, ये मेरा बेस्ट पार्ट रहता है, मैं कर लेती हूँ. दिस रिप्लेसमेंट, अगर आपने सीरीज देखी है मेरी जो पहली तीन इंग्लिश वीडियोस की हैं, उसमें मैंने आपको सीधा सीधा बताया है क्लब कभी भी क्लोज चेस्ट में दिस रिप्लेसमेंट प्रोसेस. ऑफकोर्स ये क्यों नहीं होगा यहां से स्टार्ट, क्योंकि यहां से पहले कोई ना कोई लाइन होगी, उसी के लिए उसने दिस यूज किया है और प्रोसेस यूज किया है. ठीक है, तो ये पहला हमारा लाइन नहीं होगा. पहली बात तो खत्म करते हैं, फिर लाइन पूरी पढ़ेंगे. दिस रिप्लेसमेंट प्रोसेस इज नॉर्मली ड्राइवन बाय डिस्टेंट ग्रेविटी फोर्सेस एज डेंसर पार्ट्स ऑफ द प्लेट्स सिंक बैक इन टू द अर्थ. ओके, the plates attached to the north and south america are moving apart from those attached to the europe and africa by 4 centimeters per year. Okay, the mid atlantic ridge is a site where new plates are formed. ridge ka matlab batati hu, bridge matlab bridge, aapne word suna hai na? theek hai, dekho bridge ka meaning pata hai, ridge kaise yaad hoga, usse जोड़ दो इस चीज को. ब्रिज का मतलब मैं, मुझे हिंदी में नहीं याद है. ब्रिज आपको समझते हो, रिज होता है चोटी. ठीक है, ब्रिज होता है वो एक बहुत बड़ा ऐसे समतल सा आप एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और रिज होता है चोटी. ठीक है, तो रिज आ गया. द मिड एटलांटिक रिज है वो एक साइट है जहां हमारी नई प्लेट्स फॉर्म हो रही हैं. ओके, बीनेथ, बीनेथ होता है नीचे, अंडर. बीनेथ द रिज मटेरियल राइजेस टू रिप्लेस द स्पेस लेफ्ट बाय द प्लेट्स एज दे मूव अपार्ट. सबसे पहले तो देखो, यहां से एक चीज जो क्लियर हो रही है ना हमें, वो ये चीज क्लियर हो रही है. देखो, हियर इट इज सेइंग कि यहां से जो मिड, वहां न्यू प्लेट्स हैं, और यहां क्या कह रहा है कि उस रिज के नीचे नई चीज जो है, जो न्यू मटेरियल है, वो मटेरियल राइज हो रहा है और वहीं से वो क्या है, प्लेट्स फॉर्म हो रही है. तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जो आर है वो वर्ड पहले आएगा, क्योंकि प्लेट्स के नीचे वहां वो जो चीजें हैं वो बन रही हैं. सो ये हमारा बाद में आएगा. इन बिटवीन दीज कंटिनेंट्स, देखो ये लाइन आगे पढ़ो नहीं पढ़ो, माइंड बहुत हमें ओपन करके चलना होता है. इन दीज, बिटवीन दीज कंटिनेंट्स, इसमें कंटिनेंट आया लाइन में, इसमें लाइन में कंटिनेंट आया है, इस लाइन में कंटिनेंट आया है, नहीं आया ना, क्यू में कंटिनेंट आया था. तो जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो हमेशा इसमें क्यू से होगा, और क्यू के बाद में सीधा टी आएगा. इन बिटवीन दीज कंटिनेंट्स मतलब इस लाइन से जस्ट पहले कोई ना कोई कंटिनेंट की बात हुई होनी चाहिए, वो सिर्फ हमारी क्यू में है. तो क्यू के बाद में टी आएगा. पढ़ लेते हैं. मिड एटलांटिक रिज एंड डिवाइडिंग द लाइन बिटवीन प्लेट्स मूविंग टू द वेस्ट एंड दोज मूविंग टू द ईस्ट. ओके, ठीक है. अब देखो, यहां एक बात मैंने यहां इन दोनों में समझा दी थी, ये तो हमारी आखिर में आने वाली है. क्यों? ये जो चार हमें चीजें हैं ना, ये हमें एक प्रोसेस पूरी बता रही है, और ये जो पी लाइन है ये हमारे पूरे इन चारों लाइनों को प्रेसाइज कर रही है. इन चारों लाइनों का कंक्लूजन बता रही है कि ये जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है ना, ये वाली, तो हमारा आखिरी बन जाएगा
पी क्यू टी. अब आर और एस में देखो, सबसे पहले देखो बीनेथ द रीज, रीज के नीचे क्या है, कैसा मेटेरियल राइज हो रहा है. सो आर जो है वो वर्ड हमारा पहले आएगा इसके. देखो यहां से क्या उसने कहा कि जो मिड अटलांटिक रिज है और डिवाइडिंग लाइंस है ना, वहां से प्लेट्स मूव हो रही हैं, मूविंग वेस्ट टू द ईस्ट. और वहीं जो मिड अटलांटिक रिज है वहां एक ऐसी साइट है जहां पर ये नई प्लेट्स फॉर्म हो रही हैं, और वहां पर क्या है उसी रिज के नीचे मिड अटलांटिक रिज की यहां बात हुई है, उसके जस्ट बाद यही वो ही बात कंटिन्यू कर रहा है और उसके बाद में एस हमारा आएगा. तो ये वर्ड बन गया क्यू टी आर एस पी. फर्स्ट हमारा क्यू आएगा टी, क्यों टी. थर्ड हमारा आर, ओके. फोर्थ एस आएगा, फिफ्थ पी आएगा. हो गया हमारा, ठीक है. ऐसे करते हैं ये क्लोज चेस, ये पहले निपटा लेते हैं. आर इज कैरियर थॉमस एडिसन, ओके. द डैश मोर यूएस पेटेंट्स देन एनीवन हिज फेम. मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि मुझे मार्क्स खुद के देखने हैं इसमें, तो मैं जो माइंड में आ रहा है बस वो बोलूंगी, समझाऊंगी नहीं मैं कुछ भी. इन हिज टाइम यू एस पेटेंट्स देन एनी वन हिज टाइम, ओके. जो किसी और से ज्यादा उसके पास पेटेंट्स थे ना, उससे कहीं ज्यादा थे उसके पास. सो उसने क्या कर रखा था, मीमिक. मीमिक वर्ब नहीं आएगी यहाँ पर. गार्नर्ड, यस गार्नर्ड इकट्ठा करना होता है. डिसर्न, डिसर्न नहीं होगा अगर हम इस लाइन का, वैसे अगर किसी को मीनिंग पता है ना, डिसर्न मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है. कहीं ना कहीं कंसर्न वर्ड है, कंसर्न वर्ड से डिसर्न आया है. पोर्टेबल, पोर्टेबल समथिंग मूवेबल नो हो, तो ये नहीं होगा. इनसेंट, एनसर्ट का मतलब होता है समथिंग फंस जाना किस चीज में, सो गार्नर्ड ही आएगा. एडिसन प्रॉफिटेड फ्रॉम हिज पेटेंट्स, ओके. बट ही वॉज ऑल्सो डैश टू द डार्क साइड. उसने प्रॉफिट कमाया बट वो क्या था, ऑल्सो डार्क साइड ऑफ द पेमेंट सिस्टम. पेमेंट सिस्टम का उसने डार्क साइड भी क्या था, वो सामने लेकर आया था. कैप्टिवेट, कैप्टिवेट नहीं होगा. कैप्टिवेट तो होता है ना, एक वर्ड आपने सुना होगा कैप्टिविटी. कैप्टिविटी क्या होता है, किसी चीज में कोई जादू जैसा होना, जादुई चीजें जो होती हैं उसे कैप्टिविटी कहते हैं, कि इस पर्सन में कुछ जादुई चीज है, कैप्टिविटी है उस पर्सन की. सो कैप्टिवेट जादू हो जाता है. डिमोलाइज नहीं, डेमोलाइज नहीं होगा. डेमोलिश तो मतलब किसी चीज को खत्म कर देना होता है. एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, ओके. एंटिसिपेशन हमारा वर्ड वैसे तो एक्सपेक्टेशंस होता है, यहाँ एक्सपेक्टेशन जैसा कुछ भी नहीं है. एक्सपोज या सामने लेकर वो आया. कॉरोबोरेटेड, कॉरोबोरेटेड जो वर्ड होता है ना, ये एरो वर्ड से आया है. वर्ड बोलना नहीं आ रहा मुझे, एरो वर्ड से आया है. ये समथिंग होता है कन्फर्म, किसी चीज पर कन्फर्मेशन होती है ना, वो एरो मतलब होता है पुष्टि करना, और कॉरोबोरेटेड होता है समथिंग कन्फर्म्ड, जो पहले से कन्फर्म होता है. सो यहाँ एक्सपोज जाएगा. ही हैड टू विद द लॉ सूट बाय अदर पेटेंटीज हु सॉट. सॉट मतलब होता है समथिंग जो हम या तो मांग रहे होते हैं, या वट वी हैव एक्चुअली, और वट वी आर होल्डिंग. होल्डिंग का सॉट वर्ड होता है. सो उसने जो एडिसन था, उसने जो अदर लॉ सूट्स मतलब कानूनी कार्यवाही के चलते पेटेंट्स के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है. लड़ाई लड़ी जैसा आएगा कंटेंड. कंटेंड वर्ड, ओके. हाँ ये वर्ड हो सकता है, कंटेंट वर्ड होता है हमारा लड़ाई करना, मतलब एक अकॉर्डिंग जब हम लॉफुली किसी के साथ लड़ते हैं. एलॉप, एलॉप का मतलब होता है गाइस, एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, भागकर शादी करना. भागकर शादी करने को एलॉप बोलते हैं. कभी माइंड में आया भाग के शादी करने को हिंदी में क्या बोलते हैं, एलॉप बोलते हैं, अब याद रखना. विशेषियस, विशेषियस समथिंग हम बोलते हैं ना एक वर्ड, विशेषियस आप याद रखो, विश, विश विशेषियस समथिंग हार्मफुल और समथिंग वायलेंट, ओके. स्कॉर, स्कॉर मतलब होता है गाइस क्लीन, ठीक है. स्कॉर क्लीन होता है. रिनाउंस, देखो बाउंस वर्ड होता है हमें आगे लेके जाना. रिनाउंस मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना. बाउंस आगे लेके जाना, रिनाउंस किसी चीज को बैक ले आना, मतलब गिव अप कर देना. सो कंटेंड वर्ड रहेगा. कंपटीशन से कंटेंड आया, याद रखना. कंपटीशन कंटेंड, हम कहते हैं ना कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स जो होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, कंटेंड वर्ड उनसे जोड़ दो, याद रह जाएगा. While the patent system is designed to dash innovation like Edison's, it also hampers it. Simple सी बात है, simple सा हमें दिख रहा है कि जो patent system है वो भी ऐसे design किया गया है जो Edison's की जैसे innovations होती है ना, उनको pamperized करे, उनको आगे hamper करे, उनको आगे लेकर आए. So loth, loth का मतलब होता है लड़ाई. hate होता है ना लड़ाई. loth का मतलब, वैसे loth मतलब मैं लड़ाई, ऐसे याद कर रखा है मैंने ये वर्ड. loth लड़ाई, लड़ाई तभी होगी जब एक दूसरे में hate होगा, मैंने ऐसे वर्ड याद कर रखे हैं ये. सो loth मीन्स hate. रिवेल, रिवेल मतलब मैरी. अगर मैंने पीछे वर्ड बताया था भागकर शादी करना, भागकर शादी करने को बोलते हैं इलॉप, और रिवेल होता है मेक मैरी, ओके. मिरर वर्ड नहीं आएगा. वाइल्ड, वाइल्ड आपने वर्ड सुना होगा जंगली, ठीक है, या फिर समथिंग अनप्लेजेंट, वायलेंट, तो वाइल्ड वर्ड वही है ये. वाइल्ड, वाइल्ड मतलब समथिंग अनप्लेजेंट, बहुत एक्सट्रीमली जो अनप्लेजेंट होता है हमारे लिए. यहां स्पर, सीधा सा है क्योंकि ये चार नहीं आए तो स्पर ही आएगा, और स्पर करना भी वही होता है किसी चीज को बढ़ावा देना. लास्ट कहां से पढ़ो,
However, early inventors get a patent on a small and perhaps insignificant piece of the technology puzzles, yet their patents cover the entire puzzle. Investors who solve dash parts of the puzzle में देखो investors जो क्या है किसी एक उसको part को जो puzzle है उस part को जब solve करते हैं something जो कह सकते हो आप कि needed होता है ठीक है जो हमारा एक बहुत बड़ा part होता है ठीक है vagrant vagrant word oblique तो मतलब कुछ चीजें जो हमारे लिए required होती हैं subsequent मतलब होता है following एक reasoning में word आता है ना subsequently मतलब following feeble मतलब needle से याद रखना feeble needle होती है छोटी सी नाजुक सी वैसे ही feeble होता है weak ठीक है ravenous हो सकता है ravenous part होता है जो हमारा बहुत एक बड़ा important part होता है so ravenous part हो सकता है vagrant भी हो सकता है मैं इन दोनों में confused हूँ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इसमें क्या करना है हमें एरर फाइंड आउट करना है ओके ग्लोबल डिमांड फॉर नेचुरल रबर विल इंक्रीजिंग सबसे पहले विल इंक्रीजिंग नहीं होता है विल इंक्रीज होता है सीधा सही दिख रहा है आई एन जी फॉर्म जिरेन नहीं आएगा बिल के साथ द न्यू स्पेस मार्केट इज करेक्टराइज बाय प्रोजेक्ट्स ओके दैट आर फोकस ऑन कमर्शियल रिटर्न दैट आर फोकस आर के इज और आर यहाँ जब आ गए ना दैट के बाद इज और आर आ गया तो वहां पर हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगा कभी वर्ब नहीं आएगी पास्ट पार्टिसिपल्स यूज होंगे देखो इज आर के साथ या तो आएगी जिरंड फॉर्म आई एन जी अदरवाइज पास्ट पार्टिसिपल्स सॉरी गाइस कभी भी हमारी ये वर्ब नहीं आएगी ठीक है तो फोकस्ड होगा वो वाइल मोस्ट पीपल विल एग्री इन प्रिंसिपल दैट मोर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज बेटर फॉर द वर्ल्ड ओके फॉर द वर्ल्ड They usually hold different views, okay, on how to get their world के लिए ये वाला देयर नहीं जगह वाला देयर आएगा City planners should be prepared to recognize and plan for the benefits that co-working space bring while minimizing negative impacts ये तो सिंपल सा है यूज करते हैं while negative impacts ओके ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ओके आर्टिस्ट स्टार्टेड यूजिंग डिस्कार्ड ऑब्जेक्ट्स टू पुश बैक अगेंस्ट द ग्रोइंग कॉमर्सलाइजेशन ऑफ आर्ट सॉरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ओके आर्टिस्ट स्टार्टेड यूजिंग discard objects to push back against the growing commercialization of art all is okay I think discard objects theek hai sorry guys isme kya karna hai inappropriate word dekhna hai theek hai when they asked sabse pehle meaning dekhte hain impair revolt returned answer okay sare sahi hai hamare impair revolt or return okay when they asked Jandov if they should impair for armed revolt impair ye impaired word maine pehle bhi aapko bataya tha something have to kisi cheez ko like back leke aana jaise humne isme hi meaning mein kiya tha impaired ka enhanced karna enhanced ka impaired matlab hota hai ulta hota hai jabki hum armed jo revolt hai na usko kya karein hame boost karna hai usko like इम्पेयर नहीं करना है सो ये वर्ड यहीं गलत दिख रहे हैं हमें हर चीफ होता है जो मेन होता है ठीक है लीगल कॉन्स्टेंट लीगल कंसेंट होता है लीगल कॉन्स्टेंट नहीं होता है इफ एनीवन नो अबाउट दैट ना तो कॉन्स्टेंट नहीं होता है ये हमारा कंसेंट होता है कि लीगल जो हमारा कंसेंट है उस पर तो ये वर्ड गलत है ठीक है टू अवॉइड द कैटास्ट्रॉफी स्पेलिंग अवॉइड कैटास्ट्रॉफी वॉरफेयर इंटरवेन ओके टू अवॉइड द कैटास्ट्रॉफी ऑफ ओपन वॉरफेयर जो वॉरफेयर की जो लड़ाई है ना ओपन जो हमारा खुला युद्ध चल रहा है उसमें जो होने वाली हमारी तबाही है उसे अवॉइड करने के लिए कैटास्ट्रॉफी अभी बहुत न्यूज में था ये वर्ड अगर किसी को पता है देन कैटास्ट्रॉफी ई आएगा गाइज यहाँ ये वर्ड ही गलत है मैं मीनिंग सही बता रही हूँ कैटास्ट्रॉफी ये न्यूज में था काफी न्यूज में था देख लेना जॉन आस्क फॉर परमिशन ओके टू ट्रेवल विद द आर्मी ओके एंड वियर प्रोटेक्टिव आर्मर आर्मर मतलब होता है अस्त्र शस्त्र होते हैं ना वैसे यूज करते हैं विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द रॉयल गवर्नमेंट ओके परमिशन ट्रेवल वियर प्रोवाइडेड ओके
he asked his disciples to adopt a disciplines to adopt disciplines होता है subjects विषय, बहुत से जब विषय साथ में होते हैं ना, आपने स्कूल्स में यूज किया होगा डिसिप्लेन्स, वो विषय होते हैं, पर डिसिप्लेन होता है वो हमारा होता है टीचर, एज एन टीचर बोल सकते, जिसको हम सिखाते हैं वो डिसिप्लेन होता है, ना डिसिप्लेन्स होता है, डिसिप्लेन्स होते हैं सब्जेक्ट्स, ये वर्ड गलत है. माय फेवरेट पार्ट, द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ओके इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ओके टू गेट पीपल विदाउट To get people without insurance, to assist people, people को assist करने के लिए without insurance वो medical care get कर सके. So get और assist change होगा. Emergency funds are being mitigated, okay? To help, mitigate का मतलब होता है कम करना. Being mitigated to help provided the effects of the disaster. Being mitigates, being provided to help mitigate. मिटिगेट और प्रोवाइडेड गलत है ये. हेल्प प्रोवाइडेड इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, ये सही है, ये प्रोवाइडेड आ गया. अगर टू हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स, मिटिगेट होता है कम करना, तो इफेक्ट्स को कम करना, तो ये प्रोवाइडेड और मिटिगेट हमारा चेंज होगा. पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी रिगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ओके एज कोऑर्डिनेशन डिवाइसेस दैट प्रिवेंट सिटीजन्स टू हेल्प रूलर्स फ्रॉम अब्यूजिंग पावर्स. ओके थ्योरी रिगार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके, दैट प्रिवेंट सिटीजन्स, जो सिटीजन्स को प्रिवेंट करती है, टू हेल्प रूलर्स फ्रॉम अब्यूजिंग, टू हेल्प सिटीजन्स प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है बचाव करना, तो हेल्प सिटीजन्स की हेल्प, टू दैट हेल्प सिटीजन्स टू प्रिवेंट रूलर्स, मतलब रूलर्स से बचाना होता है, तो प्रिवेंट और हेल्प ओके हमारे हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वर्ड देखते हैं, मीथेन एमिशन आर प्रोड्यूस्ड बाय विच, मीथेन एमिशन प्रोड्यूस्ड किन से प्रोड्यूस होती है, ह्यूमिनेट लाइफ स्टॉक फर्टिलाइजर एनारोबिक, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं समझाऊंगी नहीं, फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेमेंट देख लेना मैं कैसे कर रही हूँ. मिथेन एमिशन, मिथेन एमिशन सबसे पहले हम मिथेन वर्ड देखते हैं कहाँ हमें मिलेगा. एमिशन ये रहा मिथेन, CO2 एमिशन, मिथेन एमिशन इज मिथेन एमिशन प्रोड्यूस्ड बाय, यही क्वेश्चन तो है ठीक है. ह्यूमिनेट लाइफ स्टॉक ओके एंड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मेनली फ्रॉम राइस क्रॉप्स ओके कार्बोनिक मेडल्स ओके फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर सही है. फर्टिलाइजर यूज ये भी तो है एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन उससे होता है. विच ऑफ द फ्लोविंग 60% 60% वर्ड ढूंढो भाई, 60% हमें वर्ड देखना है ठीक है. कहाँ है ये रहा 60% कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एमिशन एट यूरोपियन लेवल. ऑल दो GHG एमिशन फ्रॉम द लाइफ स्टॉक सेक्टर डिक्रीज सिंस 1980 विद द ओके देखो एमिशन फ्रॉम द जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है ना वहां से सिंस 1990 कम तो हुआ है, पर जो यूरोप की अगर 2008 की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूट वो करते हैं मोर देन 60% लाइफ स्टॉक की बात हुई है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ द CMCC प्रपोज लैंड, काफी इजी है ये क्योंकि ये वर्ड हाईलाइटेड दे रखे है ना हमको. CMCC का जो लैंड बेस्ड अप्रोच है वो उसका पार्ट, CMCC फाउंडेशन एक्सप्लोर्स ऑफ विच ठीक है. ये हमें प्रपोज लैंड बेस्ड अप्रोच, लैंड बेस्ड अप्रोच देखनी है CMCC की. पॉसिबल लैंड बेस्ड मिटिगेशन ऑप्शन आइडेंटिफाई ऑफसेट ओके एमिशन ऑल दो द लैंड सेक्टर ओके यूनिक प्रैक्टिस. CMCC प्रपोज लैंड बेस्ड अप्रोच, ये रहा द CMCC प्रपोज लैंड बेस्ड अप्रोच कंसिस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्टेप्स ओके दो ही स्टेप हैं जबकि तीन दे रखे हैं तो दो ही आएंगे हमारे यहाँ पर. कौन से असेसमेंट ऑफ द GHG एमिशन फ्रॉम द लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज, GMC सेकेंड सही है हमारा. That is carbon footprint, okay, followed by, okay, mitigation set land base, okay. The last step, against livestock emission assessed in the previous step. Okay, the aim is under, ये क्या था evaluation, followed by, ये रहा second, followed by the evaluation of the mitigation potential of a set land used. ठीक है, second और third आएगा हमारा. Sorry guys. Which of the following methodology of CMCC land base? CMCC लैंड बेस की मेथोडोलॉजी, यहाँ पे हमारे उसकी बात हुई थी ना अप्रोच की, GIC ओके, LCA लाइफ साइकिल असेसमेंट, IPCC ओके ऑल आएगा. सो गाइज आई डन 27 फोर्थ क्वेश्चन हो सकता था, मैंने उसमें ऑल सोचा था, देखते हैं क्या रहेगा एनालिसिस के टाइम. कंटिन्यू करते हैं and be prepared with the pen and paper okay
-16 इधर आके हमारा माइनस प्लस ये आ जाएगा, हमारा माइनस प्लस माइनस का ही रहेगा, ये यहाँ पर आएगा 4 7 7 आ गया, 15 7 आ गया, 105, 105 और 8 की अगर हम वैल्यू को काउंट करते हैं तो आ जाएगा हमारा 35, 1 5 15, ठीक है, और आगे आ गया, ये आएगा हमारा माइनस और प्लस की वैल्यू आएगी पहली, और दूसरी हमारी जो वाई की वैल्यू है वो 20 30 32 बाई, सीधा सीधा ये तो वाई की वैल्यू नीचे वाले में तो 32 और 0 आ रही है, ऊपर वाले में जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 7/15 आएगी, और इधर 15 से 15 कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगी हमारी, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमारा होगा माइनस का 7, इससे ये बड़ा है छोटा है तो नन, माइनस माइनस से वैल्यू जो आएगी वो हमारी प्लस माइनस आएगी, और प्लस प्लस से वैल्यू हमारी माइनस माइनस आएगी, नीचे वाले में 9 और 6 आ जाएगी, ऊपर वाले में हमारी 8 6 48 12 4 48 आ जाएगी, प्लस का 12, तो प्लस का 12 इन दोनों से बड़ा है, माइनस का 4 इन दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y आ जाएगा हमारा, माइनस प्लस की वैल्यू प्लस प्लस में आ जाएगी हमारी, माइनस माइनस की वैल्यू हमारी सॉरी प्लस माइनस में आ जाएगी 80, तो 10 और 8 8, 10 और 8 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 आ जाएगी प्लस का, और आ जाएगी दूसरी साइड 10 और 8 मतलब 8 एकम 8, 8 2 16, 1.25 आ जाएगी, ठीक है, नीचे वाले में प्लस प्लस माइनस की वैल्यू अगर मैं बात करती हूँ तो ये आ जाएगी 10 में 5 2, 2.5 और 1, ठीक है, -2 आ जाएगा हमारा, तो प्लस का 1 इन दोनों से ये, और प्लस का, ठीक है, ऊपर हमारी वैल्यू आई है 14 2 28, तो ये 11 का होगा हमारा 7 4 28, तो 3.5 और 4 2, ऊपर वैल्यू 3.5 और 2 जाएगी, और ये 6 आ जाएगी, y की वैल्यू जो आएगी हमारी 6 आएगी, तो ये y बड़ा हो जाएगा माइनस प्लस से वैल्यू प्लस प्लस की 8 2 7 56, 8 और 7 आ जाएगा, नीचे वाले माइनस प्लस प्लस की वैल्यू आ जाएगी 6 7 42 13 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल देन y 36 मैन, ओके x मैन स्टार्टेड, ये वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, 36 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 6 24 4 3 12, 1440 आ गया, इक्वल में रखना है x मैन स्टार्टेड फॉर द वर्किंग 30 डेज, ओके तो 30x तो एक साइड आ गया, और वो हमारा आ जाएगा 64 मैन जॉइन टू सो दैट द होल वर्क फिनिश द डिजायर टाइम, डिजायर टाइम हमारा 40 दिन है तो 10 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ओके तो x प्लस 64 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x प्लस में 640, 1440 में से 640 गए 800, और उस साइड हमारा ये आएगा 40x, तो 40x की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो ये आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी ए मूविंग विद द 60 किलोमीटर का 15 सेकंड, ओके तो उसकी जो लंबाई है वो यहाँ से पता लग जाएगी हमें, 60 किलोमीटर 5/18 मल्टीप्लाई में 15, 3 5 15 3 6 18 10, तो ए की वैल्यू जो टोटल आ गई लंबाई वो 250 आ गई, ए कैन क्रॉसेस बी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, ओके फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है 45, तो ये 60 और 45 मिलके 105 हो जाएगा हमारा, यहाँ से 5/18 मल्टीप्लाई में 144/7 करनी है हमें, ठीक है इतने में तो सेकंड में पूरी करनी है वो, ठीक है तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 144/7 एंड देन दिस इज 640, 360, 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
600 आ रही है, 600 में से 250 गई, 350, 350 आ रहा है, 350 नहीं है, डन। एबॉट कैन 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 डाउन स्ट्रीम, टोटल 8 आवर्स में, और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल 5 में। इसका मेरा अलग फंडा रहता है गाइज, ये मैं कभी समझा भी नहीं पाती हूँ, मेरे माइंड में कैलकुलेट होता है। पता है इसमें देखो, हमें ऐसे कोई नंबर देखना है जो ऊपर 8 ही आ जाए, नीचे 5 आ जाए, ये 8 आ जाए हमारा और ये 5 हो जाए, ये माइंड में हमें काम कैलकुलेट करना होता है। 8 को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेती हूँ, सपोज 5 और 3 में कर लिया, 5 6 30 और ये हमारा तो 10 आ जाएगी, 6 और 10 आ गई, 6 और 10 इसमें कर रहा है क्या, सेटिस्फाई, 10 2 करे, 6 3 18, हाँ नीचे वाले में ये सेटिस्फाई, पहली बार में सेटिस्फाई कर गया, अदरवाइज एक दो बार टाइम लग जाता है मेरे को। तो यहाँ पे जो हमारी ये आ गई स्पीड आ गई, वाटर फाइनल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर 10 आ जाएगी, ठीक है, 10 आ गई है उसकी और 2 आ गई है हमारी करंट की, और 6 और 10 वो उसकी आ जाएगी, ये आ जाएंगी 12 उसकी,
उसने क्या कहा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में 8 होगी उसकी, सॉरी अभिषेक है, ₹12,000, 1,20,000, 12,000। पहले वाले में उसको 15% मिले हैं एंड सिंपल उसमें 20% मिले उसको, ठीक है। तो ये और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो पहले में 15, 30, 45 और दूसरे वाले में 60 एंड टोटल उसको 6600 अमाउंट मिले, ठीक है। 45 और 60 आ गया हमारा, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे, जल्दी बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्या है, ए बता रखा है, ए 4,000 होगा तो वो हमारा 12 में 4 गए 8,000 होगा, ठीक है। 4,000 का 45 से 4, 5, 20, 10, 16, 18 हो गया और ये 6, 8, 6, 48 हो गया, 48 और ये कितना होता है 4, 5, 6, 7, 8 बनता है ना, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई पहले वाले में ही हो गई है। सौरव स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ओके। 32.5 वैल्यू होती है ये हमारी 13/40 की होती है, तो ऊपर 60 रहेगा तो इसको इक्वल कर लेते हैं, 240 कर लेते हैं, टोटल 400 लेट कर लेते हैं, उसमें से 160 फूड पे गया और 240 रह गया, 240 में से 78 हमारा गया रेंट पे एंड रेस्ट उसको 3240 रह गया, 3240 रह गया ना, तो 8, 6, 12, 13, 238 अगर 400 में से जाएंगे तो हमारे रहते हैं 261, 162, ये डबल हो गया, तो 800 हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। फाइंड द स्पेंड ऑन फूड, फूड पे 160 गया था, डबल कर दो उसका 3200। अब ये सोल्ड एन आर्टिकल गिविंग एंड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। 160 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, और 100 उसकी कॉस्ट हो गई है मान लो, ठीक है, एंड 20% तो 200 उसका मार्केट प्राइस हो गया। ही हैड गिवन 12%, अगर वो 12% देता तो 124, 176 में अगर उसको बेचता तो ये 32 ज़्यादा उसको मिलते, मतलब 160 हम मिले 176, 16 की वैल्यू हमें 32 दे रखी है, मतलब हर चीज़ डबल करनी है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ अवे बॉन्ड्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 160%, 160% प्रॉफिट अलग जाता है, तो डबल कर दो 320 और वैसे उसकी वैल्यू 200 है ही है, तो 520 में उसे बेचनी होगी। 480 लीटर मिक्स 500 बार, 6, 48 बरसत 84, ओके, 12, 5, 60, रुको रुको, 7, 4, 28, ओके, 7, 5, 35 यही होगा 200 होगा, अरे क्या कर रही हूँ मैं, 280 और 200, ठीक है। 40% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट इन 30 लीटर ऑफ वाटर एंड मिल्क, क्या करी मुझे, ठीक है, इसका 60% हम कर लेते हैं, 60% के अंदर 6, 8, 48, 4, 6, 12, 4, 16, ओके, 6, 2, 12, 120 रह गया, उसमें अगर क्या करते हैं 83 लीटर ऑफ वाटर प्लस 203 और अगर 64 लीटर ऑफ मिल्क अगर हम उसमें मिला देते हैं और उसमें से रखते रहा 232, गलती कर दी मैंने कहीं पर, बाद में करूँगी ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। 45%, 8, 5, 40, 4, 8, 4, 32, 4, 36, 360 आ गया, 360 में से 210 गए तो ये हमारा बच गया 150, 15 से 10 आ जाएगा आंसर, पेन भी नहीं उठाना था। 25 का 625, 3, 5, 6, 30, 6, 18, 5, 6, 30, 6, 12, 6, 18, 180, ठीक है, तो 625 में से 180 गया हमारा, 12 में 4, 5 में से गया 440 और इधर हमारा आ गया मल्टीप्लाई 210 अगर मैं करती हूँ 230, जस्ट वेट I'm doing something wrong. 25 को 625 आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ 5 आएगा तो ये 5 सही है, सही है, 235 आ रहा है हमारा। 12% 150 का, ठीक है, तो ये हमारा 12% तो 15 तो सीधा सीधा हो गया और 18 आ गया है हमारा, 24% पिचमन का, तो पिचमन और पिचमन तो सीधा ही आ जाएंगे हमारे और 5 और 20, ठीक है, 5 और 20 तो 22 आ जाएगा हमारा, तो 5, 5, 10, 2, ठीक है, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15 150 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 15, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 320 तो सीधा सीधा ही होगा और उसके बाद 16, 48 और 480 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा, और 360 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120, 120, 12, 12, 5, 60, 600 आएगा हमारा आंसर, ये जब प्लस करेंगे तो 480, 690 आएगा, 690 को अगर हम 15, 6, 60, 15, 6, 90, 46 आ जाएगा, 46 को 269 में से जब प्लस करते हैं तो 9, 10, 5, 15, 6, 7, 10, 11, 315, 169 ना, 269 कर रही हूँ, 169, 215 आएगा आंसर।
1936 जो हमारा होता है वो 44 का होता है, ठीक है, 4 से 16 44 का हो जाता है, 16 का जो हमारा होता है वो 256 होता है, तो ये टोटल 300 बन जाता है, 300 और 40 उसमें 340 दो 20 से 17 आ जाएगा, पैनी मिनट उठाना था इसमें, 35 और 12 को करते हैं तो 350 और 70, 350 और 70 होता है, 500 से 12 420 और उसमें से 180 अगर हम माइनस करते हैं 12 बड़ी 8 4 4 3 में से 240 बनता है, 240 को अगर हम 12 से करते हैं डिवाइड तो 20 बचता है, 20 को अगर हम इससे करेंगे तो 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 5 45 5 5 25 ऊपर वाले से 250 आ गया, ठीक है, 20% 75 का होता है 150, ठीक है, 150 आ गया, 200 300 400 हो गया, 400 में से 180 गई तो 220 बनता है, पहले भी नहीं उठाना था, 35% अगर 24 की बात करें तो 35 मल्टीप्लाई 24 की बात करूँ तो 70 तो सीधा ही हो गया, 4 5 20 4 3 12 13 14 तो ये हमारा 84 बनता है, 84 840 840 में से 160 अगर मैं बात करती हूँ तो 14 में 6 गए 8 बनता है और 7 में से 680 600 में 17 4 68 40 आ गया यहाँ सॉल्व करके और 60% ऑफ 25 होता है 6 5 30 3 15 15 होता है तो 15 4 60 600 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 12 1 12 ये 7 बटा 12 तो ये आ गया हमारा 15 7 में 35 105 आ गया, 105 में 18 का जो हमारा होता है 324 होता है तो 5 4 9 3 4 429 429 में से 119 गए तो 12 310 बचता है, 310 में से 140 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 450, ओके वी गोना डू, ओके फाइंड द फाइंड द एवरेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड कंपनी पी, कंपनी सी एंड ई टुगेदर, ओके कंपनी पी की बात हुई है सी और ई में टुगेदर में 16 9 25 तो ये आपका आ जाएगा 5 5 25 5 5 10 5 490 मल्टीप्लाई में पी की बात हुई है ना 16 आ जाएगा 490 मल्टीप्लाई में सो ठीक है ये हमारा आ जाएगा ओके 840 512 784 7 7 4 490 ठीक है ये गाइस मेरा आ रहा है 2058 आ रहा है मेरा 2058 तो इसमें है ही नहीं एवरेज 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 100 2 4 2 18 1029 गाइस 1029 अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी क्यू बाय कंपनी डी क्यू बाय कंपनी डी ओके इसमें 6 12 13 13 13 26 120 को अगर हम बात करते हैं 284 840 की बात की गई है हाउ मच मोर परसेंट द इन्वेस्टेड बाय कंपनी पी बाय बी बी में पी वाला बी में तो 16 16 6 96 6 5 30 300 से 540 आ गया 180% ओके फाइंड द रेशियो अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी बाय कंपनीज ए 7 14 15 तो ये आ गया आपका 8 पे गया ठीक है और 8 7 56 560 ए का और डी का हमारा 6 12 13 26 12 वार्षिक 72 720 0 6 7 8 5 10 12 1280 अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी क्यू टू कंपनी ए क्यू टू कंपनी ए ये हमारा सीधा सीधा आ रहा था ना 8 8 6 40 हमारा आ रहा था तो ये हमारा गाइस आ जाएगा 2 1 2 1 आ रहा है डबल हो रहा है ना 64 और 1280 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई कंपनी क्यू सी एंड ई टूगेदर ठीक है सी एंड ई 9 25 ये हमारा इसने हमने इसका निकाल ही लिया था पहले ऊपरी निकाल लिया था ठीक है 490 मल्टीप्लाई 16 मैंने कर रखा है ठीक है ऑलरेडी ये हमारा निकला हुआ है और सी ई ई का हमारा निकला हुआ था ठीक है 490 चार नहीं ये क्यू का पूछा गया है ठीक है तो ये 1284 35 350 आ जाएगा 350 प्लस करने के बाद ठीक है इट्स गाइस 932 करोड़ यही आ रहा है ना आउट ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी क्यू एंड बी 60% वर इन्वेस्टेड इन 2019 क्यू बी में कितना किया है 12 12 896 880 ठीक है नहीं 16 16 6 96 660 में से उसने 60% 2019 में और 20 का पूछा है तो 40 पूछा है उसने 4 6 24 6 25 26 ठीक है तो ये 264 करोड़ हो जाएगा ओके यहाँ प्लस हो रहा है 8 हमारा फिर प्लस में हो रहा है 10 उसके बाद में प्लस 9 5 4 4 2 25 प्लस में हो रहा है ये नहीं 25 प्लस में हो रहा है उसके बाद में 17 में से हो गए 8 ओके 8 में 4 गए 48 प्लस 49 प्लस में हो रहा है गाइस ठीक है 17 में से 9 हो जाने के बाद 8 बचता है 8 ठीक है
एंड हियर 193, यहाँ से 7 4 गए तो 96 बचता है. ओके डबल हो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है. और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे 15 में गलती लग रही है. यहाँ पर 6 आना था, यहाँ पर तब होता हमारा 12, 6 12 तब सही बनता गाइस ये, ठीक है. क्योंकि फिर 24 का 48, 48 का 96 डबल होता जा रहा है, तो 6 यहाँ पर 15 में गलती है. ओके 5 से 3, 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 1.5 से मल्टीप्लाई किया, नहीं हाफ से, हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2.5 प्लस में, हाफ प्लस में कर देते हैं 3. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 मल्टीप्लाई 1.5, 4 5 6 प्लस 7.5 आ गया. 7.5 को 2 से किया तो 7 14 15, 2 17 आना चाहिए 16 की जगह. 204 माइनस हो रहा है, माइनस यहाँ पर 12 जा, माइनस 16 में हुआ, उसके बाद में माइनस 18 हुए, उसके बाद में माइनस 40 50 26 हुए. ये एकदम से नंबर इधर किधर चला गया भाई, चलो देखते हैं. उसके बाद में नंबर 6 16 में से 4 गए 8, और यहाँ पर 14 में से 6 गए 8, और 3 1 2 यहाँ हमारा बन गया. ये 14 में से 6 गए 8 आ गया, ठीक है. 3 में से 1 गया तो 28 आ गया, और उसके बाद में 6 में से 4 गए 2, 11 में से 10 11 32 आ गया. हर बार हमारा 4 4 प्लस हो रहा है, लेकिन जो अगर मैं बात करती हूँ 170 पर आके ना ये चीज़ें ना बिगड़ रही हैं. 18 आना चाहिए जबकि, और यहाँ हमारा 26 24 आना चाहिए, तो 170 गलत आ रहा है ये, ठीक है. बाकी इसमें शॉर्ट ही नहीं होती है मुझे ज़्यादा, पर ठीक है ये इजी है. 5 प्लस में 5 हो रहे हैं, माइनस में 10 हो रहे हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद में प्लस में हो रहा है, 12 में 6 गए 6 हैं, 16, उसके बाद में माइनस हो रहा है, 12 में 7 गए 5 2 25 16 25 कुछ याद आ रहा है, 4 6 16 25 25 आगे और देख. 13 में 7 गए 8, 13 में 7 गए 6 होता है, क्या कर रही हूँ ये 36, 4 5 6 जबकि गलती यहाँ हमारी आ रही है 36 में, क्योंकि यहाँ आना चाहिए जो वर्ड आना चाहिए 4 4 आना चाहिए, तो 35 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. ये सीरीज बहुत जानी पहचानी है जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करता है. देखो 240 और 360 के बीच का रिलेशन पता है क्या है, 240 का 1.5 गुना 360 है, 360 का 1.5 गुना जो है वो 540 है, 540 का 1.5 गुना 810 है. अभी क्या, अभी चाहे पॉज करके वीडियो को आइडिया लगा लो, यही होगा. और यहाँ पर जो ये 150 है ना, 150 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, आपका जो आना चाहिए वो आपका ऑफकोर्स 1.5 गुना है. अगर आपको मैंने अभी जैसे बताया ये आपका 1.5 गुना है, तो इसका क्या आना चाहिए वहां पर, 240 1.5 गुना है. जैसे ये इसका 1.5 गुना है, तो ये जो 240 खुद में क्या है, इसका 1.5 गुना है, ठीक है. तो यहाँ पर 160 होगा तब वो उसका 1.5 गुना बनेगा 150 की जगह, ठीक है. लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन. 5 10 2 12 बच्चों 48 40 4 7 28 4 5 20 40% ऑफ मिक्सचर, 60% रह गया, ठीक है. तो 60% इसका रह गया, 6 48 6 2 12 4 16, ठीक है. और 200 था, 120 रह जाएगा. 83 लीटर ऑफ वाटर, 83 लीटर 203 हो गया हमारा. एंड वाटर टू मिल्क पूछा है, ठीक है. 64 मीटर. ये 232 203 किसका कुछ बन रहा है क्या जुगाड़ गाइस? 9 के 9 2 18 नहीं जाता 9 में, तो 5 7 7 7 14 14 6 हाँ 7 16 7 3 49 में जा रहा है, 49 में 7 6 28 अगर इसमें प्लस करती हूँ ना तो 32 बन जाता है. 7 14 7 21 नहीं नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है. 49 के टेबल में आता है क्या ये? नहीं आएगा गाइस, 49 के टेबल में कैसे आ जाएगा? इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं, पता है. लेट इट बी गो. रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन, मदर और सन की जो है वो रेशियो है 20 और 9 है. एंड एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर विल बी द थ्राइस ऑफ द आफ्टर 10 ईयर, तो 9x प्लस 10 है जो उसकी थ्राइस हो जाएगी, तो 27x प्लस में 30 हो जाएगी. ये फादर इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज मदर, ठीक है. तो ये हमारा जो होगा 27x प्लस में 26 कितनी 3 साल है ना, 4 साल है, 26 हो जाएगा. तो ये हमारा आ जाएगा 20x प्लस में 10, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा. और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में गलती कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं, पता नहीं. लेट इट बी गो, जाने दो इन क्वेश्चंस को, नहीं देख रही मैं. फाइंड द सम ऑफ द ऑल नंबर्स बिटवीन 60 एंड 32. अरे ये तो हो ही जाता है, 12 और 18 के बीच में जो पहाड़ी में आते हैं, ठीक है. इनका जो पता नहीं,
प्रेशर में नहीं होते अब क्वेश्चन मुझसे। 31 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, रिजल्ट देखते हैं। सो नाउ रीजनिंग, रीजनिंग पता है। हाँ, सब बोल रहे थे कि रफ शीट दिखाओ, ये रफ शीट है ना, मैंने क्या किया है, क्यों नहीं दिखाती हूँ मैं ये टेलीग्राम में देखना आप मेरे, तो मन्ना चौधरी नियम से टेलीग्राम ना उसमें देखना, मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ इस रफ शीट को। मैं रफ शीट टोटल पूरे पेपर में, एक्चुअल एग्जाम में पता है मुझे 5 पेज मिलते हैं, मैं सिर्फ 2 ही पेज यूज़ करती हूँ, वो भी आधे, बाकी यूं के यूं साफ चट दे आती हूँ मैं यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम लिखती हूँ ना, एंड ये आदत अच्छी है। सो क्वेश्चन ये कर लेती हूँ मैं, ASP बातों में लग जाती हूँ मैं भी। SI ओके, ASI ओके, 1% रह गया कहीं ना कहीं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से पहले इंस्पेक्टर आएगा, देन SI आएगा, देन ASI आएगा, उसके बाद में HC, उसके बाद में CT। ओके, 4-5 बना लेती हूँ फटाफट मैं। एस इज जूनियर टू क्यू, ओके नो प्रॉब्लम, ओनली 3% आर देन वैक्यू बिटवीन बी एंड पी, ओके 1, 2, 3, ओके ओके आर इज जूनियर टू पी, आर इज जूनियर टू पी, ओके एंड सीनियर टू टी, ओके नॉट मोर देन 2% आर सीनियर टू वी, नॉट मोर देन 2% आर सीनियर टू पी, ठीक है तो यहाँ पर तो हमारा पी ही आएगा वाले में, ठीक है ये वाला तो किसी भी एंगल से नहीं बनेगा, ओके एंड पी से नीचे आर टी, इसमें तो स्पेशल आ गया, ये हमारा बनेगा नहीं, ठीक है हो गया ये तो क्लियर, पी पी आर टी, अगर मैं यहाँ रख देती हूँ, रख देते हैं एक बार के लिए, पी पी आर टी, 3 बन गई हैं, लेस देन 3% डिस्टेंस बिटवीन बी एंड क्यू, बी एंड क्यू में लेस देन 3% हैं, ओके लेस देन 3% हैं, अभी क्यू की हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्यू इज जूनियर टू एस, क्यू इज जूनियर टू द वन हु इज DSP, ओके क्यू जो है वो DSP से जूनियर है कहीं ना कहीं, तो क्यू की हमारी फिक्स हो गई है, DSP हमारा इस नंबर पे था, तो DSP यहाँ कहीं भी आ सकता है, क्यू हमारा इसमें यहीं पर आएगा, ठीक है क्यू जो हमारा आ रहा है ना इंस्पेक्टर वाली पे ही आ रहा है भाई, ये की बन रही है, यू इज़ जूनियर टू एस, यू इज़ जूनियर टू एस, ठीक है क्यू के नीचे एस, एस के नीचे यू, ठीक है और एस इज़ सीनियर टू द वन हु इज़ SI, एस जो है ASI से हमारा ऊपर है, तो एस हमारा सब इंस्पेक्टर की जगह आ जाएगा गाइस, एस हमारा सब इंस्पेक्टर की जगह आ जाएगा एंड क्यू, ठीक है और जूनियर टू डब्ल्यू, ठीक है तो W हमारा ऊपर आ जाएगा ऑफकोर्स, सबसे ऊपर यही तो प्लेस रह गया है लाने को, तो W ही हो गया, वो SI, हु इज़ द फ्लॉविंग पोस्टेड एज SI, SI कौन है हमारा, S है गाइस, ओके R एंड द वन हु इज जेनिस, R और ASP के बीच में जो हमारा पर्सन बैठे हैं वो बैठे हैं 4, जस्ट जूनियर टू यू, जस्ट जूनियर टू यू इंस्पेक्टर और क्यू, जस्ट सीनियर पूछा है, सीनियर भाई ASP और V, SP की पोस्ट पे कौन है, SP दे रैंक वर्गी, गाना सुना है, W हु इज पोस्टेड जस्ट जूनियर टू द वन हु इज डेजिनेटेड टू ASI, जस्ट जूनियर ASI से जस्ट जूनियर हमारा R है, ओके फेवरेट वन, टी से एस, एस से जे, टी से जे, जे से एस, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से के, से सी, हो गया एल से सी, एल से सी, एल से एस, एस से, ठीक है इसमें ये नहीं जाएगा, जे से के, यस जे से एस जा सकते हैं, एस से डब्ल्यू के फर्स्ट एंड थर्ड, यू से एम, यू से एस एक्स, ओके एक्स से एफ, डी, डी से एम, ओके एस से डी, एस से डी, एस से नहीं, एस से स्टार्ट यही हो रहा है, एस से एम नहीं, फर्स्ट वन करेक्ट, ओके दे आर 6% हाइट, ओके 6, 5, 4, 3, 2, 1 फटाफट लिख लो, दोबारा लाइन ही ना पढ़ो ये वाली, ओके दर्शन हाइट इज थर्ड लोवेस्ट, दर्शन हमारा थर्ड लोवेस्ट पर है, ओके नो प्रॉब्लम, अनुज इज फिफ्थ, ओके अनुज हमारा फिफ्थ पे है, ओके नो प्रॉब्लम, रोहित हाइट इज ग्रेटर देन इलीज हाइट, ओके रोहित है वो इली से तो ग्रेटर है एंड विराट, ओके बोथ से ऊपर है बट रोहित इज नॉट द टॉलेस्ट, रोहित तो रोहित हमारा 4th नंबर पर आ जाएगा और रह कौन गया पीछे, विनोद रह गया हमारा, विनोद 6 नंबर पर आ जाएगा, इफ द हाइट ऑफ अनुज इज 152 सेंटीमीटर, अनुज की 152 सेंटीमीटर है और उसकी वन दर्शन की 145 है, तो ये बीच में लाई करेगी 148, इफ विराट इज द शॉर्टेस्ट, विराट शॉर्टेस्ट है तो इली दूसरे नंबर पर आ जाएगी, हु इज द सेकेंड लोवेस्ट, एली, कंप्यूटराइजेशन, ओके
कंप्यूटराइजेशन, ओ भाई इतना बड़ा वर्ड। सबसे पहले आइजेशन में ही तीन वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। आइजेशन का तो ये तो कंफर्म ही रहता है हमारा, एन ओ हो गया जैसे, ठीक है। सी डी ई एफ एम पी क्यू आर एस टी आई एन ओ पी क्यू आर एम सी आर हो गया, ठीक है। आर एस टी हो गया हमारा, पी सी एच टी ओ एम एन ओ I J K L M N I C N J K L M N O, ठीक है। नहीं हुआ ये I वाला, नहीं हुआ, ये तो बहुत बढ़ जा रहे हैं। सात I S S आठ, ये तो मोर सेवन, मोर देन सेवन जा रहे हैं। 8% ओके, 8% P K O R S T V R N S ओके, ठीक है। 8% फटाफट बना लो। टी सिर्फ अपोजिट तो वन हो सिर्फ, ओके टी जो है वो यू से कहीं ना कहीं अपोजिट वाले में बैठी है। एस इट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द यू, एस इट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द यू, ओके। एंड ठीक है, आर इज एस एंड नाइदर आर जो है वो क्यू और टी दोनों के नाइदर में नहीं है। क्यू सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ओके। हु सिट्स अपोजिट टू वी, हु सिट्स अपोजिट टू वी डब्ल्यू के, ठीक है। यहाँ अगर हम W who sits opposite to V, ओके V यहाँ आ जाएगा तो R हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। who sits to the immediate left of R, R के immediate left में S है। How many position W and P when counted from the right of the W, W and P, ओके। चार, who sits second to the left of the Q P, V W, ओके सामने है, P T नहीं है सामने, P S सामने है, हाँ तो देखना है क्यों है। who sits third to the right of the S, S के right third में V, ओके। दिस क्वेश्चन से थ्री डिजिट नंबर, ओके। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ चेंज, ओके, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में तो चार सात सबसे बड़ा वर्ड आ जाएगा, चार सात पाँच छः दो नौ, तो सबसे पहले आ जाएगा। हाँ पता लग गया, तो डायरेक्ट दो है ही नहीं। वट वॉज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ सेकेंड हाइएस्ट नंबर, सेकेंड जो हाइएस्ट नंबर बनेगा वो हमारा बनेगा नौ, लास्ट वाला नौ से शुरू हो रहा है ना, नौ सात, ये वाला सेकेंड हाइएस्ट बनेगा 700, क्या बन जाएगा ये 25, तो पाँच वर्ड आ गया सेकेंड हाइएस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट, ओके 14 आएगा। इन फाइव एडिट टू ईच नंबर एंड अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 459, 512, 3, 532 हो गया, ओके 300 हो गया, उसके बाद में 6, 5, 11, ओके 4, 1, 5, 3, ओके 5, 6, 7, 3, 432, 9, 10, 14, 8, 1, 194। ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द लास्ट डिजिट नंबर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आ जाएगा आपका 9, 10, 7, 9, 9, 18, 19, 20, 23 आ जाएगा। If the digit of all the numbers are arranged in descending order, ascending order, then how many numbers has formed are greater than 280? अगर किसमें ascending order में ना, तो ये आ जाएगा 445, 257, 259, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 1, 8, 9, तो सबसे क्या है 280 से बड़े कौन से, एक दो, दो ही वर्ड बड़े हैं। If the first and third digit of all numbers are interchanged, okay, what is the absolute difference between the third digit of the second largest? First and third digit की बात कर रहे हैं ना, इसमें किसकी की थी, first और third की थी, same है, first and third digit, okay, first and third digit change कर लेते हैं, 400 पहले वाला तो same ही रहेगा वर्ड, ठीक है। 7, 2, 5, 5, 9, 2, 6, 4, 3, 2, 3, 4, 9, 8, 1, okay. सेकेंड देन द बिटवीन द थर्ड डिजिट डिफरेंस बिटवीन द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का थर्ड डिजिट 5 है और सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 2,
उसके बाद चार पाँच, उसके बाद में क्या है सेकेंड डिजिट, नौ, चार डिफरेंस आ रहे हैं, नौ और पाँच में चार। सम ऑफ द सेकेंड स्मॉलेस्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड की बात हुई है ना, फर्स्ट और सेकेंड अगर चेंज कर लिए जाते हैं, 544, 257, 925, 436, 342, 819, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर थर्ड फॉर्म। लार्जेस्ट नंबर जो हमारा बन रहा है 925 बन रहा है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बन रहा है दो के बाद 342। ओके, 5, 7, 4, 5, 6, 9, 12, 1200, क्या कर दिया मैंने, कहीं ना कहीं गलती कर दी। अच्छा 1267 सही बन रहा है, 1267, मैं 87 बना के बैठी थी। ठीक है, 8% ओके, एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ये बन जाएगी मुझसे जल्दी बन जाएगी। ठीक है, इमीजिएट नेबर ऑफ कॉमल फेस द अपोजिट डायरेक्शन, इमीजिएट नेबर ऑफ कॉमल फेस द अपोजिट डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम, पार्थ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अतुल, अतुल के लेफ्ट फोर्थ में पार्थ बैठा है। ठीक है, एंड अतुल सिट्स एट वन ऑफ द, काम आसान हो गया, अतुल को एक बार राइट में बिठा लो, एक बार उसको लेफ्ट में कर दो, और अतुल के लेफ्ट 1, 2, 3, 4 में यहाँ पर हमारा आ जाएगा पार्थ, और इसको साउथ में 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा हमारा पार्थ। ओके, तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 5, 6, 7, 8 फिक्स हो गया। बहुत एमिस नंबर ऑफ पार्थ फेस नॉर्थ, ओके नो प्रॉब्लम, एंड कॉमल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वाजिद। ठीक है, वाजिद के लेफ्ट सेकेंड में कोमल बैठी है। वाजिद इज नॉट द इमीजिएट नेबर ऑफ पार्थ, पार्थ का इमीजिएट नेबर नहीं है, तो वाजिद यहाँ भी हो सकता है तो कोमल यहाँ हो। ठीक है, एक बार इसको नहीं फिक्स करते हैं, नाइदर वाजिद नॉर ऋषि, ओके वाजिद और ऋषि एंड पर नहीं बैठे हैं, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, वाजिद और ऋषि, तो वाजिद को एक बार हम यहाँ बिठा लेते हैं, तो वाजिद के लेफ्ट सेकेंड में, वाजिद के लेफ्ट सेकेंड में कोमल आ जाएगी। ठीक है, वाजिद, वाजिद के लेफ्ट सेकेंड में कोमल आ जाएगी। ओके, यहाँ नहीं तो वाजिद, वाजिद के लेफ्ट सेकेंड में कोमल, एक बार नॉर्थ में एक बार साउथ में। बहुत इमीजिएट नेबर ऑफ ऋषि फेस नॉर्थ, ऋषि के जो दोनों हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं, तो ऋषि का एंड पे तो वो आएगा नहीं हमारा ऋषि, देन वो ऋषि हमारा हो जाएगा पार्थ, कोमल के पास अगर हम करते हैं तो वो दोनों में नॉर्थ देख रहा है, तीन पहले से रह गए हैं। आदित्य सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द विनेश, ओके विनेश यहाँ आ जाएगा, आदित्य हमारा एंड पर चला जाएगा। ठीक है, हो गया। और सुनील फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, सुनील तो वैसे ही फिक्स नहीं हुए कहीं, और सुनील हमारा नॉर्थ देख रहा है। आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीजिएट नेबर, आदित्य और पार्थ हमारे इमीजिएट नेबर्स नहीं है, पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम अपोजिट डायरेक्शन, बस एक की तो रह रही थी फिक्स करनी, हो गई है गाइस। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन कोमल एंड अतुल, कोमल और अतुल के बीच में पर्सन बैठे हैं दो, वो अमंग द फर्स्ट सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन विनेश एंड कोमल, विनेश और कोमल के बीच में पार्थ, थर्ड लेफ्ट टू द ऋषि, ऋषि के लेफ्ट थर्ड में है विनेश। ओके, ऋषि विनेश वाजिद कोमल, ऋषि विनेश, विनेश वाजिद कोमल और पार्थ, पार्थ साउथ में देख रहे हैं। हु सिट्स टू द राइट ऑफ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वाजिद, वाजिद के लेफ्ट थर्ड में है कौन है, 1, 2, 3 पार्थ, और पार्थ के इमीजिएट राइट में है विनेश। ही इज द सिस्टर ऑफ एस, ओके हैव नो प्रॉब्लम, एस इज मैरिड टू एक्स, एक्स इज द सन ऑफ एम, ओके तो एस हमारी लेडी हो जाएंगी। ई इज द मदर ऑफ एल, ई इज द मदर ऑफ एल, वाई इज द फादर ऑफ एफ, वाई इज द फादर ऑफ एफ, वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, एफ इज द डॉटर ऑफ ई, एफ इज द डॉटर ऑफ ई, तो यहाँ पे वाई मैरिड है ई से, एंड बी इज द सन ऑफ एस। ओके, हाउ इज एस रिलेटेड, एक्स रिलेटेड टू ई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ई, ई का ओके ब्रदर इन लॉ, हाउ इज एल रिलेटेड टू एस, एल रिलेटेड टू एस नेफ्यू, बी रिलेटेड टू एम फादर ग्रैंड सन, सॉरी के इज इन द साउथ, के इज इन द साउथ ऑफ 0.8, 10 किलोमीटर, पॉइंट एस इज द 35 किलोमीटर ऑफ एस, एस ठीक है, एंड पॉइंट सी इज 22 मीटर नॉर्थ, पॉइंट सी इज 22 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, पॉइंट वाई इज 15 मीटर, वाई इज 15 मीटर कहाँ पर है हमारा, वेस्ट में है। ठीक है,
एंड पॉइंट बी इज द 12 मीटर साउथ ऑफ वाई, 12 तो ये बराबर आ जाएंगे ओके, और पॉइंट जी इज 12 मीटर वेस्ट ओके. व्हाट इज द सी और जी, सी और जी 12 12 24 24 36 30 39, जी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, जी इन विद रिस्पेक्ट टू के नॉर्थ ईस्ट, ये मंगाएगी ये मंगाएगी ओके. फ्लोर वन ए डज नॉट, 5 फ्लोर है, कितने फ्लोर है, 5 ही हैं, 3 4 एंड सो ऑन, 4 1 इज नॉट द 10% एंड 5 4 5 4 3 2 1 ओके. ओके ओके ए डज नॉट लिव ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर ओके, ए हमारा 2 पर नहीं है, 3 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, गॉट इट. देर आर 2 फ्लोर बिटवीन द एफ एंड सी, एफ और सी में हैं वो 2 फ्लोर हैं हमारे ठीक है, यहाँ फ्लोर की बात करेंगे, यहाँ फ्लैट की बात करेंगे ओके. एफ लिव्स ऑन नंबर, एफ लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 ओके. एफ लिव्स बिलो आई बट नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट ओके, एफ जो है वो आई से नीचे रहता है बट ऑन डिफरेंट, सेम फ्लैट नहीं है ओके. बी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव आई, तो ठीक है 2 फ्लोर्स अबव आई रहता है, बी एंड आई लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट ओके, ये सेम पर रहते हैं ठीक है. सो यहाँ अगर मैं प्लेस की बात करती हूँ तो वो सिर्फ यहीं बैठ रहा है वो बी और आई, अदरवाइज इसमें बी और आई यहाँ भी बैठ रहा है ठीक है, बी और आई इसमें बी और आई ये बन रहा है ठीक है. जी लिव्स इमीजिएटली अबव डी, जी लिव्स इमीजिएटली अबव डी ओके, बोथ इन द सेम टाइम, हु डज नॉट लिव ऑन द बिलो आई फ्लोर, डी है वो आई से ऊपर कहीं रहता है ओके, जो आई से आई के फ्लोर से नीचे नहीं रहता है, तो सेम पे भी रह सकता है और आई से ऊपर रहेगा ये भी हो सकता है. ई एंड एच डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट्स, ई और एच है वो सेम टाइप के फ्लैट में नहीं रहते हैं. एफ एंड सी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, एफ और सी है वो सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ ए की चीज़ हमारी फिक्स बन रही है और जो ई और एच है ठीक है ये गलत हो जाएंगे हमारे. एफ एच है गाइस, एफ एंड सी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, हाँ सही है एफ और सी सेम टाइप, तो बी आई एफ जी हो गया, जी ओ डी आई से ऊपर हो गया सही है, कहीं ना कहीं लाइन मिस हुई है क्या. जे लिव्स अबव जीज फ्लोर ओके बट नॉट इन द फ्लैट एक्स, एक्स और वाई था क्या, मैंने ए और वाई भी ले लिया ठीक है, तो जे हमारा इस साइड आ जाएगा ऊपर ही ऊपर ओके. एंड अभी 2% रह गए हैं, 3% रह गए, ई का बोला था ना इन्होंने कुछ समथिंग, एफ ओके एच ई एंड एच डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ, हाँ हाँ ई और एच जो है वो दोनों सेम टाइप के फ्लैट में नहीं रहते हैं, तो ऑफकोर्स जो और एच ठीक है, तो एच यहाँ आ जाएगा हमारा और ई यहाँ आ जाएगा ओके. डन गाइस, डन, ए रह गया ना हमारा ऊपर, सिर्फ ए रह गया है ना, पर्सन के नेम पे ए डज नॉट लिव, हाँ तो ए रह गया हमारा, ये ए रह गया था, ये वाला प्राइम नंबर पे नहीं बैठा, तो ये हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं होता. हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स ऑन द फ्लैट एक्स ऑन थर्ड फ्लोर, ऑन थर्ड फ्लोर ई नहीं जी लिव्स इमीजिएटली अबव आई, इमीजिएटली अबव आई ई और जी, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड ई, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए 3 अदरवाइज पता लग जाएगा अभी गलत कर दिया हमने. हु लिव्स इन फ्लैट वाई ऑन फोर्थ फ्लोर बी, कैन नॉट डिटरमाइन क्यों देखा है मैंने, जे बी ई एच ए, जे बी एच ए, जे बी एच ई ए बी जो है एच गलत है हमारा ओके गाइस, डन इट्स डन डन डन, लेट्स सी क्या रहता है रिजल्ट हमारा. आई एम नॉट लेटिंग यू वेट, सबमिट कर देते हैं ठीक है. एनालिटिक्स, हियर इज माई आओ
परसेंटाइल अभी भी कम है, परसेंटाइल अभी भी कम है, यू कैन सी. जस्ट लेट मी, इंग्लिश में ये गलत है, रीजनिंग में 100% आइल है, मैथ्स रीजन. किसी ने 100 नंबर भी ले रखे हैं क्या, किसी फुल के 100 नंबर हैं भाई किसी के. देखते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं सॉल्यूशन में, तब क्या ही देखना है. लाइक वो एक मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं जहाँ मैं स्टक हो रही थी ना, आया ये क्वेश्चन गलत कर दिया है मैंने. आर्टिस्ट स्टार्टेड यूजिंग डिस्कार्ड ऑब्जेक्ट्स, यूजिंग आई एन जी जिरन फॉर्म है उसके साथ हमेशा हमारा डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट. ये पता है मुझे लग भी रहा था यहाँ पर, लेट इट बी. फोर्थ का ऑल आ रहा था ना, ये देखो ये सही आ रहा था. ये क्वेश्चन एक और कर लेती ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा और सुधार हो जाता हमारी परसेंटाइल में. चलो कोई बात नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं. वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था ना, 450 आ रहा था, 1280, 232 और 203 आ रहा था, 232 और 203 ही आ रहा था मेरा. बस मैं काट नहीं पा रही थी इनको, और मैंने 7 से काटा भी था, 49 पे 32 आते हैं क्या, 8 से 72 32, गलत आ रहा है इसी, देखना ये किसी के में 7 पे आ सकता है, देन 7, अरे 39 था, नहीं 7 2 4 29 था, और मैं 49 का टेबल में देख रही थी, 29 की टेबल में आएगा ये, और मैं 49 का टेबल चेक कर रही थी. ओके ओके, गॉट इट गाइस. एंड प्लीज अब आप एक बार मॉक लगाकर देखना, और एब्सोल्युटली योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल फॉर मी, एंड आई एम वेटिंग. अपना स्कोर शेयर करना इस मॉक का, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी सेम मॉक का, आप वहां से डायरेक्ट लगा सकते हो आकर, ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लिंक से जाते हो ना देन इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप एक बार लगा कर देखो, अच्छा लगे लेवल देन यू हैव टू परचेज इट. ओके ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय. अब मिलते हैं नेक्स्ट हमारे फुल मॉक में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ. एंड गुड लक गाइज, बाय बाय, थैंक यू.